ओम शांति। सबके हृदय को जीतने वाली वरदानी मुहूर्त, सम्माननीय निर्मला दीदी जी के बारे में जितने भी गुणगान करें कम है। आप शक्ति स्वरूप, दृढ़ निश्चय वाली और हिम्मत से कार्य करने वाली, ज्ञान सरोवर में आते ही हंसों की सभा में हंस मोती चुगने वालों के साथ उनका मोतियों से, रत्नों से श्रृंगार किया, आते ही ज्ञान सरोवर को संभाल लिया। आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का स्वाभाविक संस्कार था, दृढ़ता थी। आपको दादी जी ने जैसा बाबा ने नाम दिया था, निर्मल आश्रम, निर्मल भाव से, हृदय की शुद्धि से, निर्मल स्वभाव से। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान सरोवर को संभालने वाली हूँ, नहीं, दादी के, दादी जी की, उसके स्नेह में, अपने हृदय हार्दिक स्नेह में, आपने मुरली में कभी किस बहन को बुलाया, किसी दूसरी बहन को कहा, स्वयं ऐसा नहीं कि मुझे ही सब कुछ करना है, सबसे मिलजुल करके कार्य करने वाली। आपके पास समय की वैल्यू थी, आप हर समय एक्यूरेसी, मीटिंग से पहले ही पहुंच जाना है और जो काम की बात है बस वही करनी है, गंभीरता और धैर्यता और समझ करके कोई भी कार्य करना, यह आपकी गंभीरता का स्वरूप था। और साथ साथ हमने ये देखा कि आप कोई भी बात का निर्णय लेती थी तो पहले थोड़ी थोड़ी उसकी गहराई में जाती थी और उसके बाद ही उसका निर्णय, अथवा धैर्यता आप में नहीं थी, आप साक्षी दृष्टा और सत्यता की स्वरूप थी। आपने अपने न केवल ज्ञान सरोवर की बात, परंतु क्योंकि आप में स्नेह की भावना थी तो आश्रम, निर्मल आश्रम के रूप में दूसरे आश्रमों में भी जिन कन्याओं को भेजा उनको भी बहुत अच्छी तरह से पालना देकर, तैयार देकर करके भेजा। आपको अपने विदेश में भी जो सेवा की, तो अकेला ही जा करके, मुझे याद है, थाली, कटोरा, चम्मच और चादर हमेशा उनके पास अपनी होती थी, अपनी स्वच्छता और निर्भयता के साथ जो भी स्थान स्थापन किए। विदेशियों के पास जहाँ जहाँ स्थान, ऑस्ट्रेलिया में जाते ही थोड़े विदेशी थे, परंतु उनके नब्ज को पहचान करके उनसे कैसे सेवा लेनी है और उनके अंदर उत्साह मंग बढ़ाना है, तो बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। बहनें भी और भाई भी, उनको भी बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी, भारत की सभ्यता क्या है, परमात्मा के साथ प्रेम और निश्चय कैसे बढ़ाना चाहिए। आप योग में भी नियमित रूप से, 7 बजे का योग है तो आप 5 मिनट पहले या 6:30 बजे से शाम को योग में पहुंच जाती। अमृत वेला कराना है, एक्यूरेट अमृत वेला कराना, एक्यूरेट मुरली पढ़ना, एक्यूरेट एक्यूरेसी तो आपका एक एक मुख्य स्वरूप था। तो जितनी स्नेह स्वरूप उतनी शक्ति स्वरूप, और जितनी अपने स्वमान में रहने वाली उतनी दूसरी आत्माओं पर
विश्वास रखकर उनसे सेवा कराने में आप बड़ी निपुण रहीं। आपकी जो दी हुई सेवा है वो हमारे हृदय में सदा ही छपी रहेगी। और मूर्ति पूजन तो पीछे होगा, परमाणु हमारा हृदय अभी से ही श्रद्धा सुमन आपको अर्पित करता है। वाह मीठी निर्मल दीदी वाह, जैसी निर्मल उतनी ही शक्तिशाली, जितना ही दृढ़ता उतने ही धीरज और शांति। आपकी विशेषताओं के गुण के गाय तो अनेक हैं। मैं अभी इसी भावना से सबकी तरफ से आपको श्रद्धा के फूल चढ़ाती हूँ। आपने जो कार्य किया है वह अविनाशी रहेगा सदा, सबके हृदय का गीत गाते, हृदय से सब गीत गाते रहेंगे। वाह मंगलकारी दीदी वाह, वाह विश्व कल्याणकारी दीदी वाह।